लंदन के मकामी हॉल में महफिल गजल का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ गजल गायक तौसीफ अख्तर ने अपने मखसूस अंदाज में गायकी से खूब समा बांधा। महफिल में बड़ी तादाद में अफराद ने शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं लंदन से हमारे नुमाइंदे इरफानुल हक। लंदन की हल्की सर्द शामों में हल्की मौसीकी की महाफिल न सिर्फ माहौल को गर्माती हैं बल्कि रूह की ताजगी का सबब भी बनती हैं। लंदन के मकामी हाल में समारा इवेंट की तरफ से महफिल गजल का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ गजल गायक तौसीफ अख्तर ने अपने मखसूस अंदाजे गायकी में गजलें गाई के हाल में सुकून तारी हो गया। इस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, तुम मेरी सीफ अख्तर ने तुमको देखा तो ये ख्याल आया, इश्क करो और दीगर गजलें गाकर खूब समा बांधा। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मारूफ गजल गायक तौसीफ अख्तर का कहना था कि वो पाकिस्तानी गजल गायक मेहदी हसन के बहुत बड़े फैन हैं। मेहदी साहब का तो मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, उनको हम शहनशाह गजल कहते हैं। अभी मैंने खिराज अकीदत उनको पेश किया और उनको बहुत फॉलो करता हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ, बड़ी बात होगी अगर मैं उनके लिए कुछ कहूँ, मगर हाँ ये ज़रूर है कि पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है गजल में। एक से बढ़कर एक शायर और एक से बढ़कर एक गुलकार गजल को पाकिस्तान ने दिए हैं, तो जिनके हम भी बहुत ज़बरदस्त प्रस्ताव हैं। ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बेहद मोहब्बत करने वाले लोग हैं यूके में और स्पेशली लंदन में। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि 10वां साल है मेरा ये और तकरीबन 8 टूर कर चुका हूँ मैं, और इसी तरह से फुल कैपेसिटी सोल्ड आउट कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो ये एक अपने आप में एक निशानी है कि यहाँ के लोग कितना गज़लों को प्यार करते हैं और मुझे भी। तो खुद ही देख लिया आज कि किस तरह से ऑडियंस का जो हुजूम है, इट स्पीक्स फॉर इट्सेल्फ कि गज़ल जो है वो अब जवान हो रही है, एक्चुअली ख़त्म नहीं हुई है, ये गलत सोच है। हाँ ये ज़रूर है कि गज़ल जो है वो ख़ास लोगों के लिए है,
तो जितनी आप देख रहे हैं आज ऑडिटोरियम में, एक से बढ़कर एक सुनने वाले हैं। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अनीसा नासर, हिना मीर और दीगर सामईन का कहना था कि ऐसे सुरीले गायक गजल को जिंदा रखे हुए हैं। जिंदा रखे हुए हैं आप जैसे प्यार करने वाले उर्दू जुबान को, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हवाओं में सलीके से जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, और जो उर्दू बोलता है वो गजल गायकी को हमेशा पसंद करता सराहता है। तौसीफ अख्तर जी एक बहुत बड़ा नाम है उर्दू गजल गायकी के हवाले से, बहुत उनकी खिदमात हैं और आज वो लाइव परफॉर्म कर रहे हैं। It's so heavenly, I can't even tell. बहुत जबरदस्त है, इवेंट है, तौसीफ अनवर साहब आए हुए हैं, समारा इवेंट्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया है और बहुत कम्युनिटी के लोग जमा हुए हैं। ये इवेंट बहुत जरूरी है स्पेशली कोविड के बाद, और बहुत अच्छा लग रहा है, गजल की नाइट है, फैमिलीज भी आई हुई है, एल्डरली पीपल भी आए हुए हैं, एंड ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए। बहुत ही खूबसूरत महफिल गजल सजी हुई है यहाँ हेज के बैक थिएटर में, जो कि खास तौर पे जो है वो हमारी एशियन कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि जहाँ पर कम्युनिटीज खा वो किसी भी कोने से, सब कॉन्टिनेंट के हों, वो यहाँ आकर जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे कम्युनिटी कोहिजन के लिए, कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए इस तरह की महफिलें जो हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं, जिसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स को और तमाम मीडिया को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। माइंडिंग मी ऑफ द यंग एज दैट आई वाज, एंड वो अपने बेटे को भी साथ लेके आए हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, आई एम लविंग इट, यू शुड ऑल हैव बीन हियर टू। आज इतनी बड़ी महफिल को देखकर यहाँ पे कम से कम मेरे ख्याल में 600 आदमी बैठा है, जो कि गजल के लिए बेइंतहा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा क्राउड, और एवरीबॉडी लविंग इट। इसके अलावा माशाल्लाह जो गाने वाले हैं वो तो सभी लोग जानते हैं कि इतने अच्छे हैं, माशाल्लाह वो खानदानी आदमी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं तौसीफ साहब, और आज मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरा बेटा उनके साथ तबले पे है, सैयद जुनेद अली, और ये सबसे बड़ी खुशी है मेरी, आज हम सब लोग उनको देखने आए हुए हैं। हाजरीन का ये भी कहना था कि दियारे गैर में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इकट्ठा होना गजल से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। इरफानुल हक, दुनिया न्यूज, लंदन। बन जा।